ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਰਚ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚਰਚ ਸੀ ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਚ ਸੰਤ ਫੈਰਿਸ ਸੰਤ ਫੈਰਿਸ ਚਰਚ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਇਹ मतलब बंदे ने आके जो अटैक किया काफ़ी बंद सट्टा वजिया सी ते एक पास्टर सके साडे जिहड़े लंबी पिंड तो सके उन्होंने भी बहुत सट्टा वजिया सी अज उन्हां दी डैथ हो गई पास्टर भगवान कोई खड़ा पिछले महीने 24 तारीख परचा दर्ज है 307 जो दोषी गिरफ्तार है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, अगर पहली बार हमारे इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सामने मसीही न्यूज़ को लेकर आता हूँ। न्यूज़ बताने का यही मकसद है कि आपको जानकारी मिले, कोई भी जाति भेदभाव और असामाजिक कार्य को प्रोत्साहन करने का कोई उद्देश्य नहीं है हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आपने जो वीडियो देखा ये एक सच्ची घटना है। तो फ्रेंड्स, आपने जो वीडियो देखा ये वीडियो पंजाब का है, जहाँ पर एक पास्टर भगवान सिंह जो प्रार्थना सभा ले रहे थे और वहाँ पर चर्च अटैक हुआ और बहुत सारे पास्टर के ऊपर भी चर्च अटैक हुआ, लेकिन इनके ऊपर ज़्यादा चोट आई इनके ऊपर और इन्हें अस्पताल भर्ती किया गया। और मसीह नेटवर्क वेबसाइट के में जो न्यूज़ छपा है 22 फरवरी 2024 में, वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, पादरी भगवान सिंह, जिन पर पंजाब में ईसाई विरोधी लोगों ने हमला किया था, इलाज के दौरान निधन हुआ। चंडीगढ़, प्रभु का दास पादरी भगवान सिंह जिन पर कुछ दिन पहले ईसाई विरोधी लोगों ने हमला किया था, हालत गंभीर होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज हॉस्पिटल में उनका मौत हुआ है। प्रिय पादरी भगवान सिंह, जिन्होंने सेवकाई में बहुत गहनता से सेवा किया, भारत प्रजा बंधु पार्टी के पंजाब राज्य अध्यक्ष भी थे। सभी विश्वासी लोगों से अनुरोध किया जाता है कि उन प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें जो दुख में हैं, खासकर उनके परिवारों और मित्रों के लिए। सबको जय मसीह की। तो फ्रेंड्स, आपने ये न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं और ये एक सच्ची घटना है जो 22 तारीख 2024 फरवरी महीना में ये कार्य हुआ है और उनका देहांत हो चुका है। तो विशेषकर दोस्तों, आपसे यही निवेदन है कि आप उनके परिवार मित्रों और परिजनों के लिए विशेषकर प्रार्थना करें, ताकि इस संकट घड़ी में वो इस समस्या को से संभलने के लिए परमेश्वर उन्हें शक्ति दे, सामर्थ्य दे और उभरने पाए ये इस परिस्थिति से। और ये वीडियो आपको दिखाने का मकसद ये है कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इसमें कोई जाति भेदभाव या कोई भी समाज में कोई भी असामाजिक कार्य का प्रोत्साहन नहीं करता है हमारा ये चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।